बेटा यीशु चल हाथ कर हाथ कर हाथ कर हाथ आगे कर। मामा मारे इसने। पिट्टो पिट्टो मार जाओ लड़ लड़ के बारो इट्टा ले हो एक दूसरे से सेरे च मारो। अपनी मम्मी को मार सके हैं। चबल जान दे काम भी नहीं करन दे दे। अली तेरी कोई एक पैर तेरे को और नहीं बर्दाश्त होगी मार देगा तू। हाय मैं मर गया पर्दा किन्ने सुटे है किन्ने त्रोड़े है। मेरे अब्बा ने मेनू इन्हें चावल लेके दिता सी इछरे तो तू तोड़ उड़िया ने तुसी दोवे तुसी जीना हराम कर दे पता नहीं कदों तुहाडीआं ऑनलाइन क्लासां मुकनियां ने। तू तुसी जाओ यूनिवर्सिटी जा हां पाता ने मेनू पागल हारे छाटा मेनू बच्चा खराब कर दियो तुसी खराब होना पहांडे है सारे काम करना तुसी रोज इत्थे आ जांदे चीजां फड़ाने। आंटी जी इसमें मेरा क्या कसूर है आपकी लोकेशन से ऑर्डर होता है तो देने आता हूं ना मैं। मेरी गल कान खोल के सुन ले आज तू आ गया ना आज तो बाद तेरी ये पैड़ी बुथी मेनू नजर आए ना तू इत्थे कदम भी रखा या बैल बजाई ते मैं तेरा मुंह भन देना है। की बदतमीजी अली क्या है अम्मी खाने का कोई ऐसा फेंकता है। अली मेरा तमीज ना गल करी मैं तेरी जुबान खिंच दे रही है। बदतमीज कही दा मैं सवेरे उठनी है रोटियां पकानी है मैं कमाली नु फारक करनी है तेरे प्यो नु पका के देनी है फिर तुहाडे आसे रोटी पकानी है। मैं कोई पागल है मैं नौकर है तुहाडी फिर तुसी बाहर रोटियां मंगवा लेंदे हो। आपको भी कितनी दफा बोला कि वो चीज पकाया करो जो मुझे पसंद होती है आपने शलजम पकाया मुझे नहीं पसंद है। फिर चबला जा देसी खुराका खाएगा तो तेरा कुछ बनेगा ना ए बर्गर शोर में खा के ना सही सही रात मोबाइल ते लगना ते ऐंती शक्ल तेरी बाहर आनी है नाले बर्गर खा खा के फिटी जाना पाटा नाला हो गया फुटबॉल बनी जाता है। नहीं तो मैं भूखा मर जाऊं मैं कुछ खाता नहीं अब चाहती है। जे ते अली मेरे हाथ दी अज पक्की रोटी जाया गई ना या तू रहेगा इस घर च या मैं रहांगी तेरे अर्गी औलाद तेला दुश्मना नु भी ना दवे। डार्लिंग नहीं नहीं पहना मैं इतनी मॉडर्न नहीं हुई आजा बैठ बैठो। रजिया घर में इतनी सजावट क्यों की हुई है खैरियत तो है। असल में मैंने छोटे की मंगनी की दो माह पहले तो वो मेरे पीछे पड़ गए वो कहते हैं हमें शादी जल्दी दें तो बस जल्दबाजी में लॉकडाउन में मैंने कहा घर में खुशियां कर लेते हैं। अच्छा बच्चों की सुनाए सही पढ़ रहे हैं। बच्चों की मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हें पता है बाकियों के बच्चे लॉकडाउन में बिगड़ गए हैं लेकिन मेरे बच्चे इतने सुधर गए हैं इतने अच्छे हैं इतने ओबीडियंट हैं अभी मैं एक आवाज दूंगी ना तो सामने आके खड़े हो जाएंगे जरा भी बदतमीज नहीं है। सुबह 9 बजे उठते हैं पढ़ने बैठ जाते हैं जो कहती हूँ जैसा कहती हूँ कर लेते हैं। अच्छा तो रजिया आप मुझे उनसे मिलवाएंगी नहीं। ओहो बातों बातों में तो मैं भूल गई स्पारा पढ़ रहे हैं ना अभी आवाज देती हूँ। सम्मी क्या है मैंने नहीं आना। अली बेटा आप बात सुनो। अम्मी मैं भी नहीं आ रहा। वो कारी साहब के पास बैठे हैं ना तो इतनी जल्दी कारी साहब जान नहीं छोड़ते देखना मैं दोनों को इकट्ठे आवाज दूंगी ना अभी भाग आएंगे। अली बेटा सम्मी बेटा अम्मी हमने आना हम गेम खेल रहे हैं। बाजी बहुत फरमाबरदार औलाद है आपकी। अच्छा मैं ना जरा चलती हूँ जरा लेट हो रही हूँ। बैठे शादी की मिठाई तो खा लें। नहीं नहीं बाजी मैं फिर आऊंगी नेक्स्ट टाइम। ओके बाय। ओके तुहाडी हैरनी अज थां थां ते मेरी बेइज्जती करा रहे हो तुसी दोवी हैं बड़ी बदतमीज औलाद हो तुसी। सहेली आई सी मेरी इन्ने देर बाद मेरे घर और बाहर जाके हुण की दसेगी लोकां नूं कि इहदी औलाद ते इहदी गल नहीं मानदी घर ते मेरा जीना हराम सी हुण बाहर ते मेरा जीना हराम हो जाणा है तुसी नहीं सुधर सकदे है। मामा जी आप बड़े भाई को याद करके रो रही हैं। बस बेटा तुम लोग नहीं समझोगे कि ये औलाद का दुख क्या होता है। मैंने इसको बड़ा समझाया कि उन दोस्तों में ना फिर घर में रह लेकिन ये बाज नहीं आया उनके साथ मिलके भी नशे में लग गया और आज हम में नहीं है। अम्मी हम भी तो है ना आपके पास। हाँ बेटा तुम लोग तो हो मेरे पास लेकिन मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती जैसे मैंने इसको खो दिया इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग जब भी बाहर जाओ जो भी करो मुझे बताते रहा करो क्योंकि बेटा दुनिया बहुत जालिम है ये जीने नहीं देती और तुम लोग तो मेरे अपने हो तुम लोग भी मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी। ठीक है अम्मी
वैसे अम्मी जी एक बात पूछो। बोलो बेटा। अम्मी जी आप उसका खर्चा भी हमें दे दिया करो ना। मैं रख के तोड़े मुंह दे उत्ते छड़नी है न शुक्रे कई ने बेहिस औलाद दफा आई इतो नमाज पढ़न दे मेनू ए तस्वीर लेके जा वड्डे भरा दी ला उत्ते बदतमीज। होने वाला सीन है और आपको रोना तो आ नहीं रहा। अभी आ जाएगा। प्याज? हाँ, दो मिनटों में आ जाएगा। बड़े लोग पूछते हैं वैसे। इसके अलावा कोई चीज होती है? ये तू दो चार को सुनने मारना मेनू। जी बेटा। नाम क्या है इसका? मेरी गल सुन, आज तू आ गया ना, आज तो बात तेरी मेरी दोबारा बारिश आ गई है।